नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर के स्कीम नंबर 114 स्थित शराब की दुकान खोले जाने को लेकर रहवासियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर महिलाओं का कहना है कि यदि शराब की दुकानें खुलती हैं तो उसके कारण कई अनैतिक कार्य क्षेत्र में बढ़ जाएंगे और इसी कारण से शराब की दुकानों का विरोध किया जा रहा है। इंदौर सहित प्रदेश की नई शराब नीति के तहत कई दुकानें आवंटित की जा रही हैं। इसी के चलते इंदौर के विजयनगर स्थित स्कीम नंबर 114 में नई शराब की दुकान खोली जाना है। शराब की दुकान को लेकर रहवासियों में काफी आक्रोश है। वहीं महिला रहवासी का कहना है कि नई शराब की दुकानें खुलने के कारण यहां पर काफी गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, जिसके कारण बच्चे और महिलाओं का निकलना काफी दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि ये मेन रोड है और यहां से कई बार महिलाएं अपने घर और बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन पर बुरा असर पड़ेगा। इसी कारण से पूरा रहवासी संघ शराब की दुकान का खुलने से पहले ही विरोध किया जा रहा है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया है। उसका स्थान परिवर्तन किया गया है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिरकार कब से ये दुकान है, तो क्या विरोध कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? ये हम लोग लगातार 15 दिनों से और चौराहे पर ये दुकान आ रही है और कोई दुकानें एक संग आ रही हैं गरीबी के और तो आप उन लोगों को ऐसा लगता है कि शहर में जहाँ जहाँ भी शराब की दुकान है वहाँ शाम को मेले सरीका लग जाती है, वहाँ से रहवासियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, आना जाना तमाम तरह के न्यूसेंस होते हैं। तो उनका कहना है कि जब परिवर्तन कर रहे हो तो ऐसी जगह पर करो कि जहाँ लोग जिनको इसका उपयोग करना है वही लोग जाए, रहवासी संघ को और रहवासियों को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी जगह पे दुकान शासन को खोलना चाहिए, ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं खोलना चाहिए, ऐसी पास कॉलोनी में नहीं खोलना चाहिए, बस स्टैंड के पास मुख्य चौराहे के पास ऐसी दुकान नहीं होना चाहिए जहाँ से लोगों को आने जाने में तकलीफ का सामना। इसको लेकर स्तर पर आपकी बात हुई सरकार? अभी हमने ये प्रथम हमारा कार्यक्रम है कि हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इसके बाद हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, संभाग आयुक्त को ज्ञापन देंगे, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को हम ज्ञापन देंगे और हमारी जो समस्याएं हैं वो हम बताएंगे कि रहवासी संघ को दुकान खुल जाने से इन इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, महिलाओं को करना पड़ेगा, बच्चों को करना पड़ेगा, कॉलेज के लिए बच्चे यहाँ बस स्टैंड से आते जाते हैं, चौराहे से आते जाते हैं, उन सबको क्या क्या परेशानियाँ होंगी वो सब हम बताएंगे। उनसे मांग करेंगे कि दुकान कहीं ऐसी जगह पर खोली जाए जहाँ पर कोई न्यूज है। महिलाएं रात में यहाँ पे अपनी BRTS की ट्रेन बस से भी आती हैं और बच्चियाँ भी कोचिंग से आती हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे रहवासियों को जितने भी बच्चे हैं उन पे माहौल का गलत असर भी पड़ेगा और उनको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग आज विरोध कर रहे हैं, रहवासियों के साथ विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष शिफ्ट किया जाए। यदि आपकी मांग नहीं मानती प्रशासन दुकान खुल रहा था, अभी क्या आप कदम अभी से ही हम जाएंगे अभी।